हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल योर होम योर स्पेस। आज आप देखेंगे कि कैसे आप एक क्लोथ ड्राइंग स्टैंड को असेंबल कर सकते हैं। ये TNC का 3 टायर क्लोथ ड्राइंग स्टैंड है और मैंने इसे फ्लिपकार्ट से परचेस किया है। पार्ट्स एंड एक्सेसरीज को सबसे पहले अलग कर लेंगे और इसके साथ एक गाइड पेज भी दिया गया है जिसमें दिखाया गया है स्टेप बाय स्टेप आप कैसे इसको असेंबल कर सकते हैं। ट्रॉली व्हील वाला जो पार्ट है उसमें सबसे पहले रॉड्स लगाने पड़ेंगे। 2 तरह के रॉड्स दिए गए हैं, कुछ थिन रॉड्स और कुछ थिक रॉड्स। थिनर रॉड्स और थिकर रॉड्स को हम अलग कर लेंगे। थिकर रॉड्स को वर्टिकली और थिनर रॉड्स को हॉरिजॉन्टली अटैच करना पड़ेगा। ट्रॉली वाले व्हील में थिक रॉड्स लगाने पड़ेंगे। इमेज में दिखाए गए पार्ट्स को हॉरिजॉन्टल रॉड्स के साथ अटैच करना मत भूलिएगा। ऐसी तरह से क्लोज्ड पार्ट ऊपर की तरफ रहेगा और ओपन पार्ट नीचे की तरफ। अगर आप ऐसे अटैच नहीं करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट को असेंबल करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। थिक रॉड्स को अटैच करने के बाद थिन रॉड्स को भी हॉरिजॉन्टली अटैच कर दीजिए। ऐसी तरह से सारे रॉड्स को अटैच करने के बाद अब स्क्रू की मदद से नेक्स्ट पार्ट्स को हम अटैच करेंगे। ये स्क्रूज आपको बॉक्स में ही मिल जाएंगे। आपको याद है ना इस पार्ट्स को कैसे अटैच करना पड़ेगा? इस पार्ट को स्क्रू की मदद से अटैच करने के बाद ऐसा दिखेगा। और एक बात का ध्यान रखना है, ये जो हुक वाला पार्ट है इसको भी नीचे की तरफ ही रखना है, नहीं तो आप इसमें कुछ हैंग नहीं कर सकते। इसको कैसे आपको फोल्ड करना है, ये ऐसे फोल्ड नहीं होगा। फोल्ड करके दिखाओ। इसको आपको खींचना है दोनों तरफ से और ये फोल्ड हो गया। तो यही है ये सिस्टम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिस्टम है। फाइनली ये जो 4 हैंगर्स दिए गए हैं इसको आपको चारों तरफ ऐसी तरह से अटैच करना पड़ेगा। अब ये एक क्लोथ ड्राइंग स्टैंड की तरह दिख रहा है और यूज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।